अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं स्मोकी चिकन बिरयानी। 4 टेबलस्पून दही लिया है, इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला और थोड़ा सा जरदे का रंग शामिल किया है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। डेढ़ किलो चिकन लिया है, मसाला चिकन के ऊपर लगाना है। दो टेबलस्पून नींबू का रस शामिल किया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी। यहाँ मैंने 1.5 किलो ही कच्ची बासमती का चावल साफ करके भिगो देना है 2 घंटे के लिए। स्मोकी फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ कोयला गर्म होने के लिए रखा है। कोयले का दम लगा रही हूँ चिकन और 1.5 कप ऑयल को, और यही ऑयल मुझे बिरयानी में इस्तेमाल करना है। कोयले के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल किया और फ़ौरन ढक्कन बंद कर दिया है। एक बड़ा पतीला लिया है, इसमें 1.5 कप स्मोकी ऑयल शामिल किया है। और बड़ा पतीला मैंने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि चावलों को दम भी मुझे इसी पतीले में लगाना है। तेल गर्म होने के बाद इसमें 2 से 3 तेज़पात, 1 टीस्पून लौंग और काली मिर्च, 2 से 3 बड़ी इलायची और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के मैंने शामिल किए हैं। और इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद 5 से 6 मैंने इसमें मीडियम साइज़ के बारीक कटी हुई प्याज शामिल की है। प्याज ब्राउन हो गया है, इसमें शामिल कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। 2 टीस्पून इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया है। सात अदद बारीक कटे हुए टमाटर शामिल किए हैं। इसको मुझे कुछ देर के लिए फ्राई करना है। थ्री टेबलस्पून जीरा शामिल किया है और 10 अदद छोटी हरी मिर्चें। मसाले इसमें शामिल किए हैं नमक और धनिया पाउडर 3 टीस्पून, लाल मिर्चें 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून शामिल की है। मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए भून रही हूँ। टमाटर गलाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको कुछ देर के लिए ढक कर रख रही हूँ। पानी खुश्क हो गया है और इसमें अब मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। चार से पांच आलू काट के शामिल किए हैं और आलू थोड़े मैंने मोटे काटे हैं। बस इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए भून रही हूँ। डेढ़ कप मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ और चिकन को मुझे ज़्यादा देर गलाना नहीं है क्योंकि देगी स्टाइल बिरयानी बना रही हूँ तो दम में ज़्यादा देर के लिए रखूँगी तो फिर चिकन टूट सकती है। बस इसको मैं 1 मिनट के लिए भून रही हूँ और दूसरे चूल्हे पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है चावलों के लिए और कोयला गर्म कर रही हूँ।
2 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। दस से 12 अदद मैंने आलू बुखारा शामिल किए हैं। डेढ़ कप पानी शामिल कर रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब मैंने इसमें शामिल किया है धनिया और पुदीना। हाफ टी स्पून जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ। पानी उबल गया है और इसमें मैंने सिर्फ 2 टीस्पून नमक शामिल किया है और चावलों को भिगे हुए भी 2 घंटे हो चुके हैं। चावल शामिल करने के सिर्फ 2 मिनट के बाद मैं आधे चावल निकालकर बिरयानी के मसाले में शामिल कर दूंगी। बिरयानी के मसाले में मैंने 2 टेबलस्पून ज़ाफ़रानी केवड़ा शामिल किया है। दो मिनट के बाद मैंने आधे कच्चे चावल निकाल कर बिरयानी के मसाले में शामिल किए हैं और चूल्हा मैंने तेज कर दिया है। एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद मैंने बाकी चावल निकाल कर भी शामिल कर दिए हैं। बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना शामिल कर रही हूँ। लेमन स्लाइसेस शामिल किए हैं। दरमियानी आंच पर मैंने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया है। 5 मिनट के बाद पानी खुश्क हो गया है और अब मैं इसमें कोयला रख रही हूँ। उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और अब मैं ढक्कन बंद करकर इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। पतीले के नीचे मैंने तवा रखा है। पाँच मिनट हो चुके हैं और साइड से मैंने पानी चेक किया है, पानी खुश्क हो गया है और चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बस अब मैं इसमें से कोयला निकाल रही हूँ और मैंने बिरयानी को मिक्स कर लिया है। बिरयानी को थोड़ा ठंडा होने के बाद मिक्स कर रही हूँ, इस तरह से कलर बहुत अच्छा आता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।